जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि आज कुछ हमसे गलतियां जो हुई या हमारी अम्माओं से हुई और कुछ हम बिल्कुल सही चले और हमने अपने आप को खुद थपथपाया कि वाओ यार, ये हमने सही फैसला लिया, ये हमने सही काम कर दिया ज़िंदगी में. सो ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए आज हमारे पास कुछ सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं जो प्रैक्टिकली आप जैसी ही ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, बिल्कुल उनके ऊपर वही ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और जिनकी ज़िंदगी आपस में यानी कि मिलती जुलती है और आप रिलेट कर पाएंगे उनसे. सो उनकी गलतियों से आप सीखेंगे और वो जो कहते हैं कि ये हमने छक्का मारा अपनी ज़िंदगी में, तो उनसे भी आप सीख पाएंगे. हमारे पास है सनास करी. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. आज तो आपने बालों में मेहनत की हुई है भाई. थैंक्स. है ना? लेकिन आपकी टीम बिल्कुल नहीं चाहती मैं अपने ऊपर मेहनत करूँ. और जी हमारे पास है रुबाब. अस्सलाम वालेकुम. कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक. कहाँ से आई है झुमके? किसने दिए झुमके? झुमको में ही नजर पड़ी ना जाके. और हमारे पास है मीना चौधरी. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताइए. बिल्कुल ठीक ठाक. मैंने कहा कि लास्ट टाइम भी आप आई थी, बड़े अच्छे मशवरे दे के गई थी, बड़ी कारामद बातें बता के गई थी. तो ये अभी तक ये चौथी वाली जो है ना हमारी, ये लेट लतीफ़ है, इसका नाम मैंने लेट लतीफ़ रखा. नादिया आए रस्ते में, बहुत दूर से आ रही और छोटे 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 हर साइज के बच्चे हैं. ऐसे वो छोटी भी आ रही है. तो वो वाली चीज अब मुझे पता है, सुबह उसके घर में क्योस मचा होता है. मुझे उससे पूछनी है उसने क्या, क्योंकि वो कहेगी मैंने तो कोई गलती नहीं की है. परफेक्ट है, चिल बंदी है वो. सिर्फ बहुत काम है. 15 दिन मैं भूल नहीं सकती, 15 दिन का बच्चा था एंड शी वॉज हेयर. हाँ, तो मैंने रैंप किया है जब 20 डेज का था बेटा मेरा. रैंप तो तुम साथ लेके जाती थी? हाँ. अल्लाह मेरे और साथ. हाँ, तो 20 डेज का था और मेरा सी सेक्शन था. हाँ? और सोचो कि मैं रैंप भी थी 20 डेज में. पता नहीं ये लोग कौन है, कौन सी मखलूक है, आई डोंट नो. मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगी, आप नहीं करिएगा. पता नहीं किस डॉक्टर से सी सेक्शन आपने कराया हो, ये तो उसने तो पक्की वाली डॉक्टर से कराया. और ना आजकल तो टांके खुल भी जाते हैं भाई. सी सेक्शन के बाद नहीं वॉक करिएगा. कर ली हिम्मत, कर ली. ऐसे ना बोलेंगे नहीं वॉक कीजिए. अगले दिन जब डॉक्टर उठाएगी तो वो कहेंगे मैं नहीं उठ रही, निकाल के खाना लेके नहीं वो उठा देती. हम नहीं चले, उठो चलो. यार मुझे नहीं अच्छी लगती औरतों की वो बहादुरी. नहीं अच्छी लगती मुझे. नहीं औरतों की वो बहादुरी नहीं, बहादुर होना चाहिए लेकिन इतना नहीं कि उल्टा गले पड़ जाए. वो गले पड़ता है ना. हाँ. जिस जो खड़ी हो गई ख्याल रखना बहुत जरूरी है. और जिसने कहा कि लाइक मुझे तो कुछ भी नहीं होता, उन औरतों को बाद में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी. आई एम वन ऑफ दोस. उठ के बच्चों के उसी हालत में बच्चों के कपड़े लाए, मैं धो दूं सर्दी में. ऐसे किया मैंने? नहीं नहीं, मैं तो नीचे जमीन पे लेके बैठ के सर. अच्छा, पता नहीं चलता लेकिन कुछ अर्से बाद आपका जोड़ जोड़ दर्द पता चलता है. मेरी दोस्त जो है उसने मुझे कहा यार, मेरी अम्मी ने यही किया. उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए ससुराल वालों को, अम्मी खड़ी हो गई कपड़े धो रही, कह रही आज तक सर्दी आती है अम्मी का अंग अंग दुखता है. ये बड़े जो कहते हैं ये गलती है ना हमारी. ख्याल रखना चाहिए और बाकी ही ख्याल रखना. ये गलती है हमारी. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास.